राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस स्टेशन में लगातार लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हो रही है। पुलिस ने इन मामलों की जांच मानव तस्करी के एंगल से की और कुछ मानव तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की। गुम इंसान की रिपोर्ट पर उच्च अधिकारियों ने मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अलेक्जेंडर कीरो द्वारा टीम बनाकर जाँच की, जिसमें डोंगरगढ़ पुलिस को मानव तस्करों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पिछले दिनों एक महिला और उसके 3 वर्षीय पुत्र के गुम होने की शिकायत उसके पति ने डोंगरगढ़ थाने में दर्ज कराई थी। इस मामले में लंबी पड़ताल के बाद लापता हुई महिला और उसके पुत्र का सुराग लगा। पीड़िता और उसके पुत्र को साथ लेकर पीड़िता का पति थाने पहुंचा। पीड़िता महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों सलमान खान, जुनैद खान, शुभम तिवारी और साजाद सैयद को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों द्वारा पीड़ित महिला को बहला फुसलाकर पहले रायपुर, फिर रायपुर से हवाई जहाज से दिल्ली और दिल्ली से हरियाणा ले जाया गया, जहां पीड़ित के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर आरोपियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता को हरियाणा ले जाकर किसी सुरेश को बेच दिया गया, पर जब पीड़िता ने अपने पहले से शादीशुदा होने के बाद सुरेश को बताई तो सुरेश ने पीड़िता को 4 आरोपियों को वापस दे दिया, जिसके बाद आरोपियों द्वारा पीड़िता को राजेश नाम के व्यक्ति के साथ शादी करा दी। परंतु जब शादी के बाद पीड़िता ने राजेश को अपने पहले से शादीशुदा होने की बात बताई तो राजेश ने स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर पीड़िता को पुलिस थाने लाकर जहां से उसे सुरक्षित ट्रेन से बिठाकर दुर्ग भेज दिया गया। हमारे यहाँ थाना डोंगरगढ़ में सितंबर माह में एक गुम इंसान का अपराध दर्ज हुआ था, जिसकी पतासाजी डोंगरगढ़ थाना द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में कल पीड़िता अपने पति के साथ थाना आई और उन्होंने बताया कि डोंगरगढ़ के रहने वाले 4 लोग हैं जिनके द्वारा इनको वेला फुसला कर रायपुर ले जाया गया, फिर वहाँ से दिल्ली ले जाया गया फ्लाइट के माध्यम से, फिर उसके बाद हरियाणा ले जाकर इनको किसी के साथ ये शादी करवा दिया गया था। अभी हम पूछताछ कर रहे हैं पीड़िता को, क्या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। जो भी और तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम अन्य जो उनके साथ रहे पीड़िता हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पुलिस के द्वारा जो भी उनके परिजन हैं उनसे पूछताछ की जा रही थी, तो कोई हमको स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हो रही थी। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्सैक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।